के 6:30 बजे से दोस्तों ट्राई करें वीडियो बनाने के लिए, पर बना रहा हूँ रात को 9 बजे। जी हाँ दोस्तों, अभी 9 बजने वाले हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो हमेशा लेट आता है। माइक्रोमैक्स ने अपना माइक्रोमैक्स इन 2B स्मार्टफोन की टीजर अपलोड कर दिया है उनकी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जो कि माइक्रोमैक्स इंडिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर माइक्रोमैक्स इन 2B की टीजर लॉन्च हुआ है। एंड इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर आपको नो हैंग स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। हालांकि पहले भी माइक्रोमैक्स ने इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से जो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होगा नो हैंग स्मार्टफोन होने वाला है एंड बिग बैटरी देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आपको यूनिसॉस की T610 की प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बट क्या प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्या T610 प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि यहाँ पर आपको फोन हैंग करना ही नहीं देगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे एंड उसके साथ साथ बात करेंगे माइक्रोमैक्स इन 2B की लॉन्च डेट की एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब स्पेसिफिकेशन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा मतलब कुछ लीक है, कुछ रूमर्स वगैरह है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात है माइक्रोमैक्स इन 2B के टीचर के बारे में, टीचर में जो देखा गया है यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है विद फ्लैश लाइट के साथ एंड साथ साथ यहाँ पर आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, जो टीजर दिखाया गया है माइक्रोमैक्स इन 2B की। एंड उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि यहाँ पर आपको नो हैंग फोन देखने को मिलेगा। तो नो हैंग के बारे में तो बाद में बात करें कि प्रोसेसर क्या देखने को मिलेगा उसकी वजह से नो हैंग बोला जा रहा है। लेकिन अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, डिस्प्ले क्या देखने को मिलेगा, रैम क्या देखने को मिलेगा एंड बैटरी क्या देखने को मिलेगा। बैटरी तो बड़ा ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसके बारे में माइक्रोमैक्स ने बोला था कि यहाँ पर आपको बड़ा बैटरी दिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा उच्च IPS। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दिया गया है वाटर ड्रॉप की नॉच के साथ। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगा HD+ डिस्प्ले के साथ, आपको कितना अच्छा क्वालिटी देखने को मिल सकता है आप सोच सकते हो। वैसे ये लीक से फुल HD+ डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल सकते हैं माइक्रोमैक्स की तरफ से, इसके बारे में कोई भी गारंटी वगैरह नहीं है क्योंकि माइक्रोमैक्स हमेशा ऐसा ही करता है, मतलब बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तो इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, बट ये लीक से लीक्स के मुताबिक हम चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें रैम एंड रोम वेरियंट की, यहाँ पर आपको 4G+ 64G वाला रैम एंड रोम देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड मेमोरी कार्ड भी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की, तो टाइप सी पोर्ट 3.5 हेडफोन जगह आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें, रियर साइड पे यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ साथ आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, यानी कि माइक्रोमैक्स इन 2B की कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि टीचर में भी दिखाया गया है, जहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन, उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा हो सकता है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 होगा या 5 होगा इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, लेकिन 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि रियर साइड में आपको दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में, तो सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो अभी तक मुझे ये स्मार्टफोन इतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो 13+2 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल कैमरा, इससे पहले वाले जो 1B एंड इन नोट 1 इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें मेन चीज जो ये बोला गया है कि यहाँ पर आपको नो हैंग फोन देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। प्रीवियस लीक मुताबिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिसॉस T610, जिसमें आपको 12 नैनोमीटर वाला टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे तो ये मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ बिल्कुल कैपेबल है। यहाँ पर भी आपको 2 कोर देखने को मिल जाता है कॉर्टेक्स A78 का एंड 6 कोर देखने को मिल जाता है कॉर्टेक्स A55 का। तो सेम यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है प्रोसेसर की, जो कि आप मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ अगर कंपेयर करते हो। तो क्या 12 नैनोमीटर प्रोसेसर यहाँ पर आपको नो हैंग देखने को मिलेगा? दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको इस प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाते हैं एंड 6-7 महीने के बाद फोन लैग होता ही होता है, मतलब हैंग ही होता है ना। माइक्रोमैक्स ने इसमें ऐसा क्या चीज ऐड कर दिया जो कि ये नो हैंग हो जाएगा? क्या ये प्रोसेसर इतने कैपेबल है कि इतनी पावर कंज्यूम कर पाएगा एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन माइक्रोमैक्स ने ऐसा बोला है कि नो हैंग, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गेम तो जरूर करेगा। तो देखते हैं क्या गेम करते हैं। लेकिन जो लीक के मुताबिक यहाँ पर आपको यूनिसॉस T610 की प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यहाँ पर आपको बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 5000 mAh की बड़ा बैटरी यहाँ पर आपको दिया गया है एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है दोस्तों, कितनी वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, लेकिन बैटरी यहाँ पर आपको बड़ा दिया गया। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में,
तो ये जो स्मार्टफोन है 30 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। प्राइस की अगर बात करें तो इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है आपको देखने को मिलेगा 8 से 9 हज़ार के बीच में, इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब बार बार ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करने के मतलब ही क्या है? तो मुझे तो बहुत ही एक्साइटेड है कि नो हैंग के मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या प्रोसीजर माइक्रोमैक्स यूज करेगा, नो हैंग कैसे होगा, इसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। दोस्तों जैसे ही स्मार्टफोन में कोई न्यू अपडेट आएगा हमारे चैनल पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ साथ दोस्तों अगर आप ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।